बहुत समय पहले की बात है, एक कस्बे में एक सेठ रहा करता था। वह दूर दूर के राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था। उसका सामान देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध था। लोगों को जैसा भी कपड़ा चाहिए होता, उन्हें वहां मिल जाता। अपनी ईमानदारी के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ की एक पत्नी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वह देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लाकर देता। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी काफ़ी परेशान लग रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। शुरू शुरू में तो सेठ को ये कोई गंभीर समस्या नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफ़ी कम होते जा रहे हैं। सेठ अलग अलग वैद्यों पर इसका इलाज ढूंढने गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब तो सेठ और उदास हो गया और सोचने लगा कि इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी अगर मैं अपनी पत्नी का इलाज ना करा पाऊँ तो क्या फ़ायदा ऐसी धन दौलत का। अगर इसके बाल इसी तरह झड़ते रहे तो एक दिन ये पूरी गंजी हो जाएगी और लोग इसे गंजी गंजी और मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। सेठ पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि उसको रात को अपनी पत्नी के बाल झड़ने के ही सपने आने लगे। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में न लगता, जिसके कारण उसके ग्राहक भी काफी कम होने लगे। यहाँ तक कि उसने दूसरे नगरों में भी जाना छोड़ दिया। एक दिन उसकी पत्नी नहाकर बाहर आई तो सच में उसके बाल गायब हो चुके थे और वो पूरी तरह गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी की हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और भागकर गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में आ गया। उसे लगा कि शायद उसे यहाँ बैठ के शांति मिलेगी। जब वह वहाँ बैठा हुआ था तो एक साधु ने उसे देखा और उसके पास आया। साधु ने उससे पूछा, पुत्र तुम उदास क्यों हो? साधु के स्नेह भरे शब्द सुनकर उसने साधु को पूरी बात बता दी। महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। साधु ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। तुम बहुत ही मेहनती और सच्चे इंसान हो। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई तेल है। जादुई तेल? हाँ। साधु मंदिर के अंदर गया और एक बड़ी सी तेल की शीशी लेकर वापस आया। तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे देना और उससे कहना कि वो इसे रोज अपने बालों में लगाए। कुछ ही समय में उसके बाल उग आएंगे और घने हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह जादुई तेल है, इसे सिर्फ अपने बालों पर ही लगाना और काम पूरा होने के बाद नदी में बहा देना। सेठ बहुत ही खुश हुआ और तेल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी सेठ के कहे अनुसार तेल को अपने सर में लगाने लगी। कुछ ही दिनों में उसके बाल उगाए और लंबे हो गए। सेठ की तो मानो सारी परेशानी ही दूर हो गई और इसलिए वो दूसरे नगर में व्यापार के लिए निकल गया। एक हफ्ते बाद जब वो अपने घर लौटा तो देखा उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। सेठ अचंभे में था। बहुत मिन्नतें करने पर उसकी पत्नी बाहर आई। अपनी पत्नी की हालत देखकर सेठ बहुत डर गया। पत्नी की दाढ़ी मूछ निकल आई थी और वो बहुत ही भयानक लग रही थी। सेठ ने पूछा, ये क्या है, ये कैसे हुआ? पत्नी ने कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल सिर्फ सिर पर लगाना है, लेकिन एक दिन जब मैंने तेल लगाया तो थोड़ा तेल मेरे हाथों पर लगा रह गया। आप जानते हैं ये तेल बहुत ही चिकना और सुगंधित है। मैंने सोचा बर्बाद क्यों करना और मैंने बचा हुआ अपने चेहरे पर लगा दिया और मेरा ये हाल हो गया। सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। जिस वस्तु का जितना काम होता है हमें उतना ही काम में लेना चाहिए, अन्यथा हमारा ही नुकसान होता है।